अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड एज हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड लॉस। इसके दो पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो लेट अस स्टार्ट। हैबिटेट डिग्रेडेशन किन वजूहात की बिना पर हो रही होती है? उनमें फर्स्ट आता है कंटेमिनेशन और पोल्यूशन, सेकेंड है एयर पोल्यूशन, थर्ड है वाटर पोल्यूशन एंड फोर्थ है पेस्टिसाइड्स। और इनके बारे में हम मुख्य पॉइंट्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन वन, हैबिटेट डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस बाय विच हैबिटेट क्वालिटी फॉर अ गिवन स्पीशीज इज। हम जानते हैं हैबिटेट कहा जा रहा होता है किसी भी जानवर की प्लेस ऑफ लिविंग को। और हैबिटेट डिग्रेडेशन क्यों हो रही होती है? इसकी मेन रीजन है कि जब कोई इन्वायरमेंट की क्वालिटी इतनी लो हो जाए तो वहां पर जानवर रिप्रोड्यूस ना कर पा रहे हों तो हैबिटेट डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये भी याद रखिएगा कि जब एक जानवर की हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही होती है तो उसी वक्त किसी और जानवर की हैबिटेट अपग्रेडेशन भी हो रही होती है। इसको एक मिसाल समझ लेते हैं। अगर हम एक फॉरेस्ट जो है उसको काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो हो सकता है उस फॉरेस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ स्कल्स या गुलहरियाँ रह रही थी उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाए। तो स्कल्स के लिए तो हैबिटेट डिग्रेडेशन हुई, और उसी वक्त वहाँ पर नई स्पीशीज लाइक जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं, वहाँ पर जो कटे हुए दरख्त हैं वो न्यू हैबिटेट बन जाएं। तो एक स्पीशीज के लिए तो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है, पर दूसरी स्पीशीज के लिए वो हैबिटेट इन्हांसमेंट या अपग्रेडेशन हो रही होगी। तो इस जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी वो आ रही होगी चार्ली डैमेज्ड। यहाँ नज़र भी आ रहा होगा कि हैबिटेट ख़त्म हो गया है इन जानदारों का। क्वेश्चन टू, डैश एंड डैश आर जस्ट टू ऑफ मैनी प्रोसेसेस दैट डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम्स। अब याद रखें जब आप किसी इकोसिस्टम में तब्दीलियाँ करते हैं तो मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। इसको मिसाल समझ लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इकोलॉजिस्ट, इनके मुताबिक अगर कोई पावर प्लांट है तो इस पावर प्लांट से पानी सप्लाई हो रहा है टू द नियर बाय वाटर बॉडी लाइक रिवर। तो वह पानी गर्म होगा तो इस रिवर का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इस रिवर के अंदर जो टेम्परेचर सेंसिटिव स्पीशीज होंगी वो ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पावर प्लांट ने इस रिवर की हैबिटेट में जो रहने वाली स्पीशीज थी उनको ख़त्म कर दिया, तो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो गई। और ये भी आखिर जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट होते हैं इनका प्राइम फोकस होता है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर से मुराद है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन इकोसिस्टम। जबकि एक सेकेंड अप्रोच भी होती है साइंटिस्ट की जिनको हम कह रहे होते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट। इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट जो है इनका जो प्राइम फोकस होता है वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पर नहीं होता बल्कि इकोसिस्टम के फंक्शन पर होता है। इकोसिस्टम फंक्शन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, पैदावार कितनी है उसकी। बहरहाल जो गिवन ऑप्शंस इसमें जो है वो राइट ऑप्शन इसमें आ रही होगी चार्ली डिफॉरेस्टेशन ड्रेनिंग वेटलैंड्स। क्वेश्चन थ्री, रिमूविंग द फॉरेस्ट टू क्रिएट अ डैश कोर्स वुड कॉन्स्टिट्यूट इकोसिस्टम लॉस। इससे पहले कि हम इसका आंसर देखें हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी जो है उसके बिल्कुल एज के ऊपर यहाँ पर एक पार्क मौजूद है, फॉरेस्ट पार्क, और सिटी और पार्क के एज पर यहाँ पर कुछ ना रफ ट्रीज मौजूद हैं जो ओल्ड ट्रीज हैं और रैंडमली अरेस्ड हैं। इस तरह की ट्री जो ओल्ड भी हों रैंडमली अरेज हों और रुकावट पैदा कर रही हैं उन्हें कहा जाता है स्नैक्स। तो जो पार्क का मैनेजर है वो क्या करता है कि वो इन स्नैक्स जो ट्रीज हैं वो उनको ख़त्म कर देता है ताकि जो पैदल चलने वाले हैं पेडेस्ट्रियंस हैं उनको रुकावट पेश ना आए। अब अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे ओल्ड ट्रीज को तो ऐसे बहुत से जानदार हैं जो कि इन पर डिपेंडेंट हैं, जिनकी हैबिटेट है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल वुड पैकर जो कि दरख्तों के अंदर घोंसला बना के रह रहा होता है, तो उसकी हैबिटेट ख़त्म कर दिया आपने। इस तरह जो टर्माइट्स हैं वाइट एंट्स हैं उनको दीमक कह रहे होते हैं उनकी भी आपने हैबिटेट ख़त्म कर दी जस्ट फॉर योर ओन सेल्फिश गेन्स।
और अगर वो मैनेजर या किसी भी तरह से पार्क ही पूरा खत्म कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि पूरी की पूरी जो वहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी वो भी कैचली फिर खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा कर रहे होते हैं फॉर मेकिंग गोल्फ कोर्स। दुनिया में आई थिंक से तकरीबन कोई 1600 गोल्फ कोर्स हैं, और ये मेन रीजन है डिफोरेस्टेशन करके जो इंसान खेलों के लिए यूज कर रहा होता है पार्क्स को। तो इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी बीटा। फोर, वेज टू डिग्रेड और डिस्ट्रॉय हैबिटेट और इकोसिस्टम इंक्लूड। इसमें गिवन ऑप्शंस दी गई हैं वो सारी ही ठीक हैं और सारी ही मेन रीजंस हैं। सो राइट ऑप्शन आएगी ऑल ई। फाइव, मीडिया डेट कैन मूव प्लूटेंट्स इंक्लूड। वो कौन से जरिए हैं जहां से प्लूटेंट्स मूव कर सकते हैं। तो इसमें गिवन ऑप्शंस दी गई हैं वो सारी ठीक हैं। एयर से भी मूव कर सकते हैं, वाटर से मूव कर सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कैरियर हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रही होगी ऑल। सिक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स राइज टू द अपर एटमोसफियर वेयर दे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ। इसमें गिवन ऑप्शन दी गई हैं। सो राइट ऑप्शन आ रही होगी चार्ली। ओजोन, हम जानते हैं ओजोन बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वहां पर मौजूद है, और इसका डिस्टेंस जो होता है वो अर्थ से तकरीबन है 10 to 50 किलोमीटर्स। और इसका मेन जो पर्पस होता है वो सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही होती है नीचे उनको ब्लॉक कर रहा होता है ये ओजोन लेयर। इसका फार्मूला होता है O3। और ग्रेजुअली ये हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट कर रही है इससे और O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 के अंदर जो कि एक गैस है, जिससे ओजोन की जो लेयर है वो थिन होती जा रही है ग्रेजुअली। और ये भी हम जानते हैं कि इसके और भी बहुत से इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहे होते हैं नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे किंग ऑफ एसिड्स, और ये भी फिर बायस बन रहे होते हैं एसिड ट्रेन के। लेट्स मूव ऑन। सेवन, क्लोजर टू अर्थ ओजोन एंड अ सूट ऑफ अदर केमिकल्स फॉर्म टॉक्सिक क्लाउड्स कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगी वो चार्ली आ रही होगी। स्मॉग, स्मॉग हम जानते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग एंड फॉग। एट, मॉडरेट लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर नाउन टू इरेडिकेट मैनी लाइकन स्पीशीज। इनफैक्ट द रिलेशनशिप इज सो वेल डॉक्यूमेंटेड दैट लाइकन्स आर वाइडली यूज्ड टू मॉनिटर डैश पोल्यूशन। गिवन ऑप्शन जो दी गई है इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी डेल्टा एयर। इस वजह से हम लाइकन जो है इनको कहा, इनको आमतौर पर कहा जा रहा होता है बायो इंडिकेटर्स या पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहा जा रहा होता है इनको। नाइन, इन पार्ट्स ऑफ बेल्जियम ग्रेट टेट्स हैव रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव सक्सेस दैट अपीयर्स टू बी कोरिलेटेड टू डैश कंटेमिनेशन। इसमें गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी डेल्टा हैवी मेटल्स। डैश एंड डैश डेट आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर एक्वेटिक प्लांट्स बट कैन लीड टू एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें गिवन ऑप्शन दी गई हैं, इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी डेल्टा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये दोनों रीजन बन रहे होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। और एल्गल ब्लूम के बहुत से नुकसान हैं क्योंकि ये सनलाइट को नीचे पेंटेट नहीं करने देती, गैसेज का एक्सचेंज जो है वो रोक देती है, जिससे फिर नीचे जो जानवर मौजूद हैं उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होगी तो उस एरिया में स्मेल आएगी, और स्मेल आएगी और अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा जो क्रिएटिक वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी। अगर ग्रेजुअली इसके अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जमा होते जा रहे होंगे किसी वाटर बॉडी के अंदर तो वो लेक इनरिच हो जाएंगे विद न्यूट्रिशन। उसे कहा जा रहा होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है एनरिचमेंट ऑफ अ लेक विद न्यूट्रिएंट्स। 11, देर आर केमिकल्स सच एज डैश देर इन डेंजर लाइफ एट कंसेंट्रेशन सो लो डैट दे आर मेयर्ड इन पार्ट्स पर बिलियन। ये देखें यूनिट इसका बनता है पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन हम जानते हैं कि अरब को कहा जा रहा होता है। और यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन दी गई है इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी चार्ली डाइऑक्सन। इट मीन्स अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड के पार्ट्स पर बिलियन के अंदर भी इसकी अमाउंट अगर होगी तो इट विन कॉज टॉक्सिसिटी। When pollutants originate from broad areas, these places are called dash sources, in contrast to specific sites, which are called dash sources. तो इसमें जो ऑप्शन दी गई है इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी चार्ली, दैट इज पॉइंट एंड नॉन पॉइंट।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। 13 यूरोप्स लार्जेस्ट रिवर द डैश अलोंग सब्सटेंशियल स्ट्रेचेस द नेचुरल बायोटा हैज बीन सीवियरली आल्टर्ड बाय पोल्यूशन इन दिस एरिया। सो ये गिवन ऑप्शन सी गई है, इसमें राइट ऑप्शन बीटा बनेगी, राइन। 14 लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका होम टू हंड्रेड्स ऑफ इंडेमिक डैश फिश स्पीशीज। इंडेमिक हम जानते हैं इसमें होता है नेटिव, लोकलाइज्ड, इंडिजिनस फिश स्पीशीज। अब इसमें सूरत हाल ये बनी है कि जो वाटर बॉडी थी उसे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। पोल्यूशन ज़्यादा होने से उस वाटर बॉडी के अंदर जहाँ ये फिश रहती थी, चिचलिट फिश थी एक्चुअली, उसके अंदर टर्बिडिटी का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया। टर्बिडिटी हम जानते हैं अगर ज़्यादा होगी तो पानी के अंदर देखने की जो सलाहियत है, विजन जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चिचलिट फिश थी इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। हम जानते हैं कि जो चिचलिट फिश है ये बहुत कलरफुल किस्म की फिश होती है, अगर डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रही कलर से दरमियान, तो इट कैन चूज द करेक्ट मेट, द मेट बिलोंग्स टू इट्स ओन स्पीशी। और उसका नुकसान क्या हुआ कि ग्रेजुअली मेटिंग कैपेसिटी कम हो गई, जिससे वजह से चिचलिट जो फिश थी इसकी डाइवर्सिटी जो है वो भी ग्रेजुअली क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और द रीजन बिहाइंड इज वाटर पोल्यूशन। सो जो राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा डेट इज एल्फा, नजर में आ रही है वेरी कलरफुल एंड ब्राइट काइंड ऑफ फिश। 15 वाटर पोल्यूशन इज लेस लाइकली टू कॉज ग्लोबल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इन मरीन इकोसिस्टम्स देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, बिकॉज मरीन इकोसिस्टम्स आर ऑफन टू डैश टू फ्लोट इन देयर इंटायरिटी एंड बिकॉज मैनी मरीन स्पीशीज हैव डैश जियोग्राफिक रेंजेस। ये गिवन ऑप्शन सी गई है, इसमें राइट ऑप्शन और ये बीटा, लार्ज एंड लार्ज। 16 वाटर पोल्यूशन कैन ऑल्सो अपसेट द इक्विलिब्रियम ऑफ मरीन फूड वेब्स सच एज वेन एन डैश ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग प्लैंकटन नाउन एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। तो नजर भी यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ एल्गल ब्लूम ग्रो की हुई है, जिसकी वजह से जो एल्गल ब्लूम से मुराद है यूट्रोफिकेशन हो गई है, और जिसकी वजह से नीचे इस तह के नीचे गैसेस का जाना और लाइट का जाना तकरीबन नामुमकिन सा ही होता है, जिससे फिर नीचे रहने वाली लाइफ स्टॉक होती है, जानवर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। राइट ऑप्शन जहां पर जो आ रही होगी डेट इज बीटा, और ये भी आ रखी है यहाँ पर बहुत से टॉक्सिन्स पैदा हो चुके होते हैं फिर ग्रेजुअली एल्गी ब्लूम के अंदर। 17 अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू कैटल डैश हैज कॉज किडनी फेलियर इन 3 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स डेट फीड ऑन कैटल कारकेसिस लीडिंग टू वाइड स्प्रेड कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइंस इन वल्चर्स पॉपुलेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये गिवन ऑप्शन दी गई है, इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी डिफ्लोनिक। 18 वर्ल्ड वाइड ओवर डैश डिफरेंट पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वेइंग ओवर 42.6 मिलियन मीट्रिक टन्स आर यूज ईच ईयर, इट्स क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आ रही होगी डेट इज चार्ली 50,000। 19 पीसीबी स्टैंड्स फॉर, इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, पर याद रखें इसका राइट ऑप्शन एल्फा नहीं आएगा, इसका राइट ऑप्शन बीटा आएगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग बॉटनी, दैट इज पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। 20 क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फैट सॉल्युबल एंड कैन टेक जीयर्स टू ब्रेक डाउन एंड दे पास फ्रॉम प्रे टू प्रेडेटर्स अप अ फूड चेन एंड कैन कंसिस्टेड इन टॉप प्रेडेटर्स अ प्रोसेस नाउन एज। अब याद रखें कि यहाँ पर जो लाइन यूज की गई है वो फूड चेन की यूज की गई है, और कॉम्बिनेशन फूड चेन को हम कह रहे होते हैं फूड वेब। अगर तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन हो रहा है किसी प्लूटेंट का एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे कहा जाता है बायोकम्युलेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही किसी प्लूटेंट की एक फूड चेन के अंदर, उसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ रही होगी डेट इज बीटा, बायोमैग्निफिकेशन। 21 प्रेडेटरी बर्ड्स इंक्लूड, इसमें गिवन ऑप्शन दी गई है एल्फा इज ऑस्प्रेस, बीटा ब्राउन पेलिकन्स, चार्ली बाल्ड ईगल्स, डेल्टा पेरिग्राइंस एंड ई ऑल। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगी डेट इज ऑल। 22 इंसेक्ट ऑर्डर लेपिडोप्टेरा इंक्लूड्स एल्फा इज बटरफ्लाइज, बीटा मॉस, चार्ली बोथ। तो राइट ऑप्शन इज बोथ, चार्ली ऑप्शन आ रही होगी। डेट वॉज ऑल अबाउट टू दिस लेक्चर, इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।